चलिए आप सारे विद्यार्थी को सबसे पहले आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही रोजगार भाई नीतीश सर में स्वागत है। तो बाबू, आज मैं खास करके आप सभी विद्यार्थियों के बीच मैंने आया है जिसका एक मकसद है, क्योंकि यार आपको हमें बचाना है। आपको क्या करना है? बचाना है, क्योंकि जो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, उस गलत डायरेक्शन से आपके हमको क्या करना है? बचाना है। ये जो तीन महान भाव देख रहे हैं ना, इन तीनों महान भाव से आपको क्या करना है? मुझे बचा लेना है। और बचाने के लिए मैंने आपको बताने आया हूं एक बात, जैसे कि सबसे पहले मैं इन पे चर्चा कर लेता हूं, है ना, इन पे चर्चा कर लेता हूं। ये आप देख सकते हैं, एक पटना, यानी हमारे बिहार के ही है, यानी कि पटना का है आरिश राठौर सर, है ना। और देख सकते हैं कि इनका, देखिए अब बोलिए, इनका वजूद हो गया खत्म, लेकिन सर इनका वजूद हो गया खत्म, उसके बावजूद भी आपने सर इन पे वीडियो क्यों बना रहे? तो इन पे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ना कि इनके नाम के प्रयोग करके, है ना, जैसे हमारे गांव देहात के जो विद्यार्थी हैं, जैसे छोटे छोटे शहर में हमारे जैसे शहर में पढ़ने आते हैं, तो उनको है जो इनके नाम पे क्या किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। जब इनका वजूद है जो आपको आज से 8-10 साल पहले खत्म हो गया है, तो इनका चेला चपाटी का कोई वजूद अब नहीं रहा, है ना। और इनके नाम पे जो इनका असाइनमेंट था उसका हूबहू कॉपी करके लोग क्या कर रहा है यार, पढ़ा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जब इनका कोई वजूद नहीं है तो इनके नाम पे, है ना, कोई ढेकना राठौर, कोई फलना राठौर, कोई चिलना राठौर नाम रख रख के क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। और मार्केट में जो विद्यार्थी है, जो भोले भाले स्टूडेंट हैं, उनको यार बुर्बक बनाया जा रहा है और उनको कैरियर से खेला जा रहा है। तो हम इसलिए हम आपको आके बता रहे हैं कि आपको बचना है, जो इनके नाम पे जो आपको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, इनका असाइनमेंट का प्रयोग करके, है ना, जो इनका असाइनमेंट था जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले क्वेश्चंस क्या होता था, एग्जाम में आता था, लेकिन आज है जो एग्जाम का स्वरूप बदला है, तो एग्जाम का स्वरूप बदला है तो आपका क्वेश्चंस का लेवल भी क्या हो चुका है, बदल चुका है। और जो इनका असाइनमेंट था, अभी तक लोग इनके असाइनमेंट के प्रयोग करके लोग मार्केट में क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। तो आपको बचना होगा, है ना। तो इनके नाम से जितने भी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के चेला चपाटी है। और जब इनकर चेला चपाटी है, जो कंसेप्ट इनके पास था वही कंसेप्ट हूबहू उसके पास होगा, है ना। और ज्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहता है, कुछ अपना भी कंसेप्ट लाए, जिससे विद्यार्थियों को यार बहुत ज्यादा परेशानी है। तो आपको उस परेशानी से बचना होगा, और जब तक आप उससे नहीं बचिएगा और इनके नाम पे जाते रहिएगा, जब तक आपके जीवन में धोखा होगा और आप सक्सेस नहीं होइएगा और आप अच्छे ऊंचे उड़ान तक आप नहीं जाइएगा, ठीक है ना। तो आपको इनके नाम वाले जितने भी टीचर हैं उनसे क्या करना है, बचना है, क्योंकि इनका ही वजूद खत्म हो चुका है। अब आते हैं इनका ई महान भाव का नाम लेते हैं, ई है आपका विपिन यादव, है ना। अब इनको हम क्यों रिलाई कर रहे हैं? तो इनको हम इसलिए रिलाई कर रहे हैं कि अब ये टीचर नहीं बन रह गए, अब सेलिब्रिटी हो गए, मुखिया हो गए, है ना। तो नेता कभी टीचर नहीं हो सकता, है ना। नेता से पहले टीचर था, मैं मानता हूं, इनका सम्मान करता हूं, लेकिन अब एक टीचर नहीं रह गए, अब एक सेलिब्रिटी हो गए, है ना। और इनके लिए जानते हैं, जब मैंने यूथ देखे, यूथ बुक, एक कॉम्पिटेटिव यूथ बुक है, जब मैंने यूथ बुक मैंने चालू किया था, एक दिन के बाद ये भी यूट्यूब पे पढ़ाना चालू किया, तो हमको अंदर से यार खुशी महसूस हुआ कि चलिए भाई कम से कम हमें तो साथ देने वाले एक बिहार का कोई कुछ शख्स आया। लेकिन मैंने देखा, जब विद्यार्थी लोग मुझे दिखाया कि सर देखिए ना, क्वेश्चन जहां तहां से बता रहे हैं इस बुक से, है ना, बताइए, पहला बताया तो फिर उसके बाद सीधे आपको लेकर चल गए 30वां नंबर क्वेश्चन पे, फिर 35 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। उस प्रकार से उनके बाद भी इनके पास उतना एबिलिटी और क्षमता नहीं रहा कि किताब को पढ़ा सके, है ना। तो आपको क्या करना है कि इनसे भी आपको बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। और चलिए, ये आप देख सकते हैं हमारे दिल्ली के आदित्य रंजन सर, है ना। तो इनका क्या है ना कि कैलकुलेशंस को इतना ज्यादा फास्ट करते हैं, जिससे हमारे सीबीएसई वाला तो चलेगा, विद्यार्थी समझ पाएगा इनसे, लेकिन जो झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उन सारे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा क्या होता है, दिक्कत होता है। क्योंकि आप कहिएगा कि सर आपको कैसे पता, तो मुझे इसलिए पता है कि जब इनका विद्यार्थी जब कोर्स लेके इनका आता है ना, तो सर बताता है कि सर देखिए, जब ऑफलाइन में आता था सर मुझे ये प्रॉब्लम है, है ना। तो इनसे भी आप सारे विद्यार्थियों का करना है, बचना है, खास करके बोर्ड वाले विद्यार्थी को, जो आपका यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, है ना,
बिहार बोर्ड हो, उनको इनसे क्या करना है, बचना है। और खास बात उन विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखना होगा जो विद्यार्थी इंटर पास किए हैं, उनको भी इनसे क्या करना होगा, बचना होगा। नहीं तो यार यदि आप इनके फेर में पढ़ोगे तो आपका 4 साल 5 साल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, बचना है। और बहुत जल्दी मैं आपको यूट्यूब पे अप्लिक है ना कोर्स लेके आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कोर्स चल रहा है, उसको जाकर आप शिद्दत से पढ़िएगा ना तो आपको 100% बातें समझ में आएगी। उसके बाद तुरंत कुछ ही है ना एकाध सप्ताह के अंदर में आपका एप्लीकेशन पे वीडियो आ जाएगा, और वहां पे जो तरीका होगा जेन्युइन तरीके होगा उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपका बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो मैंने क्या बताया कि 3 महानुभाव है, उनको से क्या करना है, आपको बचना है। और जब तक आप नहीं बचिएगा जीवन में आप सक्सेस नहीं होइएगा। चलिए तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो।